नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए लाभकारी होगा जो कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स कर रहे हैं, या बीटेक कर रहे हैं, या पीजीटीसी की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या कंप्यूटर से जुड़े किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की। तो उन सभी के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही लाभकारी होगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो सर्वर हैं हमारे उसके बारे में, डीप इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सर्वर हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। ये इसका फर्स्ट वीडियो होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं द कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं उनके कमांड्स के ऊपर जब सर्वर कोई इंफॉर्मेशन या डेटा या सोर्स या किसी भी प्रकार का जो एप्लीकेशन है वो शेयर करता है, सर्व करता है, उसको हम सर्वर कहते हैं। सर्वर जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट सर्वर की वो ये है कि एक प्रोग्राम जो हार्डवेयर मशीन के साथ मिलकर नेटवर्क पर मौजूद क्लाइंट पीसी के साथ सर्विस या जो उसकी इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करता है, सर्व करता है, उसको हम सर्वर कहते हैं। और ये सर्विस कई तरह से अलग अलग हो सकती हैं। यहाँ पर सर्व का मतलब मुख्य कार्य क्लाइंट कंप्यूटर के मांगने पर वे सर्विस या इन्फॉर्मेशन सेंड करना होता है जो क्लाइंट सर्वर से मांगता है। जो एक नेटवर्क होता है वहाँ पे कई सारे सर्वर्स जुड़े जा सकते हैं, कि एक ही नेटवर्क के ऊपर हम कई सारे जो हैं सर्वर्स को यूज़ कर सकते हैं जिनके उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं है कि आप एक नेटवर्क के ऊपर एक ही सर्वर को यूज़ करें, हम एक ही नेटवर्क के ऊपर कई सारे सर्वर्स को कनेक्ट कर सकते हैं जो अलग अलग उद्देश्य से उसके जो उस नेटवर्क के साथ जुड़े हो सकते हैं। सर्वर अपने स्टोर की हुई महत्वपूर्ण डेटा को खुद बैकअप करके रखता है और उसको एक्सेस करता रहता है, जिससे कि हमारे द्वारा सोशल मीडिया पर डाली गई कई इन्फॉर्मेशन जो होती हैं हम कई साल बाद भी उसको गेन कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर सेव होती हैं। और ये जो डेटा होता है वो जो बड़े सर्वर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो उसको बैकअप करके सेव करके रखती हैं। अगर डेटा क्रैश भी होता है, जो सर्वर है वो क्रैश भी होता है, वहाँ पर भी उस कंडीशन में भी उसका जो बैकअप होता है वहाँ पर वो सेव होता है। इसलिए हमारी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो हमारे सर्वर से लीक नहीं होती और ना ही वो क्रैश हो पाती है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो जो सर्वर्स के बारे में होगा। और यहाँ पर सर्वर की हम बात करेंगे तो हम लोग तीन मुख्य प्रकार के सर्वर, जो सबसे पहला है बेसिक, यहाँ पे टूबर सर्वर कहलाता है, जो कंप्यूटर की तरह बिल्कुल दिखाई देता है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कंप्यूटर की तरह बिल्कुल दिखाई देता है और इसका जो शेप होता है कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा होता है। स्टोरेज कैपेसिटी हमारे नॉर्मल कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा होती है, मेमोरी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ये कई सारी चीज़ें गेन करता है, एक स्पेस बहुत ज़्यादा लेता है। और यहाँ पे हम कीबोर्ड वीडियोस और ग्राफिक के लिए मॉनिटर्स और कीबोर्ड माउस को यूज़ करना होता है। तो एडिशनल जो इसके साथ इक्विपमेंट्स हम कनेक्ट करते हैं, इसकी वजह से जो इसका साइज़ होता है वो काफ़ी सारा ये गेन करता है हमारे ऑफिस में। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है और अगर आप उसमें एक सर्वर्स को ऐड करना चाहते हैं, किसी एक सर्वर की सुविधा लेना चाहते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये आपका टूवर सर्वर जो होगा वो बेस्ट होगा। और ये एक समय में एक ही सर्वर को हम ऑन द नेटवर्क्स यूज़ कर पाते हैं। हम ये नहीं कर सकते सर्वर के साथ तीन चार सर्वर हम अपने नेटवर्क्स में जोड़कर टूवर सर्वर को यूज़ कर पाएँ। तो हम एक समय में एक सिंगल टाइम में एक ही सर्वर को हम यहाँ पर नेटवर्क पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सर्वर होता है जिसको हम टूवर सर्वर कहते हैं और ये हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज़ में इंस्टॉल करा सकते हैं क्लाइंट्स कंप्यूटर के साथ। और इसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स, बहुत ज़्यादा यूज़र्स इसमें कनेक्ट नहीं कर पाते, हम यूज़ नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा अगर यूज़र्स हैं आपके नेटवर्क के ऊपर, तो ये जो है कई बार डाउन हो सकता है। तो एक नॉर्मल यूज़र्स, कुछ यूज़र्स यहाँ पे इस सर्वर की जो सुविधा को हम ले सकते हैं। इसके अलावा जो अदर टाइप के सर्वर होते हैं, ये इसकी हार्डवेयर की बात कर रहे हैं तो रैक सर्वर आता है, जो इसके तीन टाइप के सर्वर मैंने आपको बताया, पहला था टूवर सर्वर, दूसरा है रैक सर्वर। ये सर्वर टूवर सर्वर के कंपैरिजन में छोटे साइज़ के होते हैं और इसको रैक के अंदर कनेक्ट किया जा सकता है और एक ही टाइम में हम कई सारे सर्वर्स को
ऑनलाइन लाइन में यूज़ कर सकते हैं, ऑन द नेटवर्क हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैपेसिटी के हिसाब से जो डुओ सर्वर की कंपैरिजन में ये रैक सर्वर की कैपेसिटी, मेमोरी स्टोरेज जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा होती है, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने बड़े नेटवर्क में जहाँ पर हमें 4 डुओ सर्वर की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम इस प्रकार से रैक सर्वर को यूज़ कर सकते हैं। मतलब होता है रैक सर्वर, अगर आपके नेटवर्क पर 4 सर्वर का यूज़ है तो वहाँ पे आप रैक सर्वर को यूज़ कर सकते हो, जिसको डेटा कैपेसिटी और अदर टाइप्स ऑफ न्यूअर फैसिलिटी को अगर हम यूज़ करना चाहें अपने नेटवर्क के, तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये रैक सर्वर यूज़फुल है। अगर हम बात करें इसके कनेक्शंस की, तो इसमें भी वायर्स को यूज़ किया जाता है, लेकिन इतने ज़्यादा वायर्स कंपैरिजन टू टूअर सर्वर, कुछ कम वायर्स हम इसमें यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसमें वायर के द्वारा कनेक्शंस को बिल्कुल ही डिसेबल नहीं कर सकते। यहाँ पे वायर्स को नेटवर्क के लिए वायरिंग यूज़ की जाती है, और ये हीटअप होता है नेटवर्क पर। अगर आप रैक सर्वर को यूज़ करते हैं तो ये कंडीशन है, ये हीट होता है। इसको कूलिंग करने के लिए इसके साथ एक कूलिंग जो कंपोनेंट भी यूज़ किया जाता है, जो इसको ठंडा रखता है। तो ये रैक सर्वर हो गया। इसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है हमारा ब्लेड सर्वर। ये बहुत छोटे सर्वर्स होते हैं और कैपेसिटी में, स्टोरेज कैपेसिटी में बहुत हाई होते हैं, और बिल्कुल न्यूर फैसिलिटी है, लेटेस्ट जो आप इसकी बात करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी, तो एडवांस टेक्नोलॉजी है ये सर्वर की, और अभी मार्केट में ये अवेलेबल है। और आजकल जो आज के समय के हिसाब से ब्लेड सर्वर को ही यूज़ किया जा रहा है। स्मॉलेस्ट होते हैं, हाई डेंसिटी होती है, और जो इसका स्पेस होता है बहुत ज़्यादा होता है, और कम जगह में ये ज़्यादा स्टोरेज स्पेस हमें प्रोवाइड करते हैं। और इसकी ये खासियत होती है कि अगर कोई कंपोनेंट या कोई स्टोरेज हार्ड डिस्क अगर इसमें ब्रेक होती है, डिस्ट्रॉय होती है, तो उसको चेंज करने के लिए हमें ब्लेड सर्वर को पूरा शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती। उसी एरिए के डिवाइस को हमें अलग करके उसको दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करना होता है, जिससे कि हमारे पूरे सर्वर को शट डाउन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये बहुत अच्छी बात है इसके लिए। और आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो जो हमारे सर्वर्स हैं उनको लगातार रन करना होता है, इसीलिए ये 24/7 रन करते हैं, और इस कंडीशन में इनको शट डाउन करने की अगर बात आती है तो ये बहुत बड़ी घटना हो सकती है हमारे कल्चर के लिए, क्योंकि सर्वर ऑलवेज रनिंग होते हैं, और सर्वर का डाउन होना काफ़ी सारी असुविधाएं फेस करनी पड़ सकती हैं हमें। यहाँ पे जो ब्लीड सर्वर होता है ये काफ़ी सारा हीटअप होता है, हीटिंग जो इसकी क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें स्टोरेज कैपेसिटी और हाई इक्विपमेंट्स काफ़ी सारे यूज़ किए होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा जल्दी गर्म होता है। और इसको कूलिंग कंडीशन के लिए इसमें एयर कंडीशन, ये सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं कि ये जो सर्वर्स हैं वो ठंडे हों। बहुत बड़ी जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये ब्लेड सर्वर्स को यूज़ करती हैं, क्योंकि ये जगह कम लेता है और हमारी स्टोरेज स्पेस काफ़ी ज़्यादा देता है। तो आगे के वीडियोस में मैं आपको एक क्लिप शेयर करना चाहता हूँ, इसमें आपको बताना होगा कि ये जो क्लिप है इसमें फेसबुक जो है, फेसबुक या गूगल जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत बड़ा डेटा सेंटर स्टोर करके रखती हैं, हमारे इन्फॉर्मेशन को शेयर करके रखती हैं, ये किस प्रकार के स्टोरेज मीडिया का यूज़ करती हैं, किस प्रकार के सर्वर्स का यूज़ करती हैं। तो आपने ये वीडियो में 3 सर्वर्स के बारे में जाना, टूअर सर्वर, रैक सर्वर और ब्लेड सर्वर। अब इसमें से आपको बताना है कि जो हमारी google.com है और facebook.com है, इस वीडियोस में देख के आप बताइए कि ये कौन से सर्वर्स को यूज़ करती हैं बेसिकली हमारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। इसको आप कमेंट्स में लिख के मुझे शेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी तो नेक्स्ट सीरीज़ में मैं बात करूँगा आपसे सर्वर्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन से सर्वर को क्यों यूज़ किया जाता है और उसका क्या सुविधाएं हैं और क्या सर्विसेज देते हैं, ये सारी डीप इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये पहला पार्ट था, कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।